सारे भाइयों ने राम राम भाई। लो आ लिया बसंत विधानसभा क्षेत्र में भाई, उरे का हाल मूड बताऊंगा लोगों का की है। चलो पूछा लोग मूडा भाई भाई, राम राम लाला जी। राम राम जी, राम राम जी। ठीक हो लाला जी? बहुत बढ़िया। क्या विधानसभा चुनाव में मुद्दे हैं इस बार? हमारे यहाँ तो कोई मुद्दा नहीं है और बहुत बढ़िया। बीजेपी की राज में 10 सालों में बल्ले बल्ले और योगेंद्र राणा का भाई का हमारा एक तरफा मोल है और यहाँ किसी की कोई वो चीज नहीं है। लाला जी की मैं रट्टा ला रहे हो किसी पार्टी वाले तो नहीं था? मैं किसी से पार्टी से कोई वो नहीं है, मैं तो एक आम आदमी हूँ। अच्छा जी, कितना वोट दोगे फिर? तुम वोट तो देने की सोचने की जरूरत नहीं है बीजेपी। लो जी, यो तो कमल आला लिख रहा भाई, इबक और ताऊ खड़ा कति कति धोले पढ़ने वाला ताऊ। राम 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 जी। भाई तेरा पढ़ना कति धोला है भाई। अच्छा नहीं बता, विधानसभा चुनाव में के मुद्दे माते हैं? कुछ नहीं मुद्दा, जमा बढ़िया चल रहा काम बढ़िया। हाँ जी, कितना वोट दोगे? उसने बलिंदर ना कह, बलिंदर नहीं है। कौन सी पार्टी का है यो? इसका बीजेपी का। अच्छा हाँ, इसका कि मैं काम कराया उन्हें? हाँ बड़ा बड़ा काम कराया। लो भाई, यो ताऊ भी वीरेंद्र के नाम की माला जपे, कब बीजेपी वाला ना वोट देंगे कने काम कराए। चलो आके चलना ओड़ा देखा के मूड है लोगों का भाई। राम राम। और ठीक हो? अच्छा न्यू बताओ, या असंत विधानसभा चुनाव शुरू हो लिया, के मूड है इबके, के मुद्दे माते रहेंगे इबके? मुद्दे ऐसे हैं सर, एक तो असंत को जिला बनवाना है और एक यहाँ पे स्टेडियम बनवाना है, जो आज से पहले यहाँ असंत में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। सिर्फ यहाँ पे इतने ही मुद्दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान और जाति से संबंधित विकास हुआ ही नहीं। ना कोई शिक्षा का ऐसा यहाँ पे संस्थान आया कि यहाँ के बच्चे जो एजुकेशन ले सके। तो किन्ने वोट दोगे फिर? कांग्रेस को देंगे सर। कांग्रेस ने दो? जी सर। लो भाइयों, पंजे वाला आ लिया, कभी कांग्रेस ने वोट देंगे जी। एक और पूछा भाई, अरे गाड़ी वाले रोक रहे, रोक तो घना बात जा रहा है। अरे न्यू बता, यो विधानसभा चुनाव शुरू हो लिया, के मुद्दे हैं असंत में? असंत में विकास का मुद्दा है जी एक तो, और हम भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीतियों पे वोट देंगे। ये हल्का असंत के और इसकी नीति, पढ़े लिखे बच्चे इस नीति को समझ चुके हैं और वे भटकेंगे नहीं, और उनकी नीति बिल्कुल बच्चों के भविष्य को बनाने के योग्य है। और हम न्यू बता तुम वोट किन दोगे? हम देंगे भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को और योगी जी को वोट देंगे। ये भाई पूरा तो एक नया मामला आ गया, कब नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दूंगा, फिर कब योगी के नाम पे? भाई योगी ठहरा यूपी वाला, उरा भी योगी योगी मोदी मोदी हो रही है, थम के ना वोट दोगे? भाई सब कांग्रेस को वोट दो, इसी की लहर है, कांग्रेस ही आएगी। लो भाई, यो तो कांग्रेस ही लिख रहा भाई, और तो बात कर ले भाई। भाई राम राम। राम राम जी। राम राम। और ठीक हो? कति बात होगा, हमने छाल चका रखी है भाई। बिल्कुल। अच्छा न्यू बताओ, ये विधानसभा चुनाव शुरू हो लिया, के मुद्दे माते हैं असंत में? असंत में बड़े मुद्दे हैं जी, हमारे जो योगेंद्र राणा जी है नी, बीजेपी पार्टी से टिकट लेके आए हैं, 36 बरादरी के नेता और बहुत बढ़िया काम करने वाले आदमी है। अब तो इनकी लहर है, एक यूपी से मोदी आए थे, वो यूपी के मुख्यमंत्री थे, हमारा संत का योगी तो योगेंद्र राणा है और संत को चमकावेगा। वाह जी वाह, तुमने वो योगी वाले वो यूपी वाले योगी थे, उन्हें संत वाले योगी ने मिला दिया। बिल्कुल। वाह जी वाह, किना वोट किने दोगे फिर? हम योगेंद्र राणा को दोगे, बीजेपी को। यो भी बीजेपी वाला भाई, और था पूछ ले भाई। भाई राम राम। राम राम जी। और ताई वाले ठीक है? के बात रात सोया नहीं? न्यू है दिखे अखा सी बस, जिकर काम में घना लग रहा हूँ। अच्छा न्यू बता, के मुद्दे माते हैं इबके? पहले तो एक आपका धन्यवाद है और एक आपकी बात का जवाब दूंगा, ये आंखें तभी सोवेंगी सही जिस दिन हम कमल का फूल खिलावेंगे संत में। वाह रे, इतना प्रेम कमल का फूल था? हाँ जी। के बात भाई की? क्योंकि सारे देश में विकास से इतने हो रहे हैं जी, बिना कोई खर्ची के, बिना कोई पर्ची के, बिना कोई जात बिरादरी के, चाहे के छोटा के बड़ा, के अमीर के गरीब के, राजा के रंग, सबका समान साथ समान विकास। अच्छा नहीं बता, तेना रट्टा मार रखा कती कते किसी पार्टी गलत हो को ना? कोई पार्टी गलत नहीं हमारी, क्योंकि मोदी मोदी इसी करके हो रही है सिर्फ विकास न देख कर। इब हरियाणा की बात करें तो जो नायब सैनी जी हैं, नायब सैनी जी ने अपने जिस तरह मोदी जी का 56 इंच का सीना है नहीं, इस तरह सैनी जी ने 56 दिन में, क्योंकि आचार संहिता लग रही थी और महीने में, तो 56 दिन में 126 योजनाएं परियोजनाएं आम जनता के लिए करी है, जिनमें सब बता ते वोट किने देगा? बीजेपी को, कमल को। लो भाई, यो भी बीजेपी वाला लिख रहे रहे। भाई राम राम। राम राम। और ठीक हो? मैं ठीक ठाक। यूँ बताओ, असंत विधानसभा में के मुद्दे हैं इबके वोटा में? इबका तो भाई गरीबी का सबसे ज्यादा तो। अच्छा, यो महंगाई इतनी हो रही है, इतनी महंगाई हो रही है, बस पूछे ना।
भाई ज्यादा मुद्दा तो किना वोट बांट दोगे फिर भाई? हम तो गोगी ने देवोगे भाई जी, महाराज साहब कौन है गोगी, किस पार्टी का है? ये तो बहुत अच्छा मानस है, बहुत बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर का मानस है। इसमें एक बताऊं, इसमें जैत बलादरी का कोनी रोला, इसमें सरदारा का जय मिलाई और जट्टा का ब्याह रखा। अच्छा के कौन सी पार्टी से लड़ाई हो? यो कांग्रेस था। अच्छा कांग्रेस ने वोट दोगे? हाँ कांग्रेस से देंगे, आज के बंदे देवांगे भाई। यो तो पंजा खिलावा भाई, साफ कहे पंजे का वोट दूंगा भाई। राम राम भाई, के मुड़े के मुद्दे है के विधानसभा में भाई? मुद्दे तो मेरे तो दो स्पष्ट है, देश के लिए देश हमने सुरक्षित रखना है, दूसरा फिर धर्म, देश धर्म हमारा सुरक्षित मजबूत रहेगा तो हम खुशहाल है अपना हर एक चीज में। तो कितना वोट दोगे? बीजेपी कमल का फूल। लो भाई उरा भी आ गया धर्म, आ गया उरा भी धर्म, आ गया धरती बताया था, वो परके गए थे अपा उस साइड, ओ दूसरे साइड नारायणगढ़ साड़ी ओड़े भी कहे थे धर्म जात बात आली, उरा भी धर्म की बात करा भाई। इब चलो आ गया पूछा, कुछ औरतें आई हैं इनसे बात करा। राम राम जी। अच्छा न्यू बताओ के मुद्दे हैं जी? आप तो औरत हो, घर भी चलाओ, बाहर अंदर भी देखा करो, इब आम औरत है तो किस तरह के मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में? विधानसभा में देखो सबसे पहले तो जो मोदी जी ने काम करा हमारी महिलाओं को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लेके आए थे 2016 के अंदर, तो उसको पूरा अभी पूरा खरा उतरा है वो धरातल पर। पहले 1000 पुरुषों के पीछे 800 लेडीज होती थी, आज 1000 पुरुषों के पीछे कम 1040 महिलाएं हैं। इतना ज्ञान घर चूल्हा चौका संभालोगे कड़ा मैडम लाग रही हो जो सारी जानकारी है थारकने? नहीं नहीं, नहीं हम एक आम अपना घर भी संभालते हैं और हम महिला शक्ति है, हम देश को भी संभाल सकते हैं, घर को भी संभाल सकते हैं। वाह जी वाह, बताओ वोट किन्हें दोगे फिर? हम बीजेपी को, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है, हमारे असंध विधानसभा से हमारे हमारे प्रत्याशी योगेंद्र राणा जी हैं और उन्हीं का एक तरफा चल रहा है। और अब की बार हमने धर्म को बचाना है, बीजेपी को वोट देनी है, नरेंद्र मोदी जी को वोट देनी है, अपने देश के विकास को वोट देनी है। तो लो भाई उरा तो लिए लगाई अभी धर्म धर्म करने लग रही है। आओ एक और था पूछा। राम राम जी। बीजेपी तय दूंगी जी। ये बात बीजेपी ने क्या कर दिया थारे खातर? बहुत कुछ कर रहा है जी लेडीज खातर तो। अच्छा हाँ जी बहुत कुछ कर रहा है। लो भाई यो तो सारे लेडीज बीजेपी बीजेपी कर रहा भाई जी। न्यू बताओ ये विधानसभा चुनाव शुरू हो लिया के मुद्दे माते हैं थारे असंध में? मुद्दे तो विकास को लेकर ही है और भाजपा सरकार ने मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कार्य नहीं किया हो तो हम इस सरकार से संतुष्ट है। तो वोट किसने दोगे फिर? मोदी तो देवांगे और किसने देश का जी। वाह जी वाह, यो भी मोदी की रट ला रहे हैं उरे तो सारे मोदी मोदी वाली। मोदी का इसलिए रट है जी, 33% भी आरक्षण दे दिया मरता है तो क्यों नहीं करा हम उनका साथ, क्यों नहीं देवांगे? हम तो साथ देवांगे जी, पक्का देवांगे। देख लो जी मैं सारती पहला भी क्या करूँ, ये जनता है, काम करने वाले की तो इज्जत करा करे, जे काम नहीं करोगे ना दूध तक मक्खी कितना काट के बाहर फेंक देगी। आओ एक दौर लगाइए तो बूझ लिया। राम राम जी। न्यू बताओ के मूड है के किसने दोगे वोट बांटते? बीजेपी। बीजेपी के कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने सिलेंडर दिए, सारा कुछ कर दिया महिला के लिए। अच्छा सिलेंडर भी दे दिया जी, जी, हम चूल्हे पे रोटी बना कर दे, गैस पे रोटी बनाते। अच्छा वोट किसने दोगे फिर? बीजेपी। बीजेपी जिंदा। जो जी वो तो कहे सिलेंडर दे दिया बीजेपी ने, पहला तो भाई धुआं में आखा रोया कर दी, इब सिलेंडर दे दिया। अरे चौमासा चल रहा है ना, चौमासे में अभी लाकड़ की लीक होता है, फिर आखा में धुआं घना आया करे, घड़ी मचा कर दी, तो मचती नहीं क्योंकि गैस पर रोटी बोया करे। चलो ये अगले करने चला, फिर ओड़ा पता करांगे के मामला है भाई, के मुद्दे हैं इनके चुनाव में? मुद्दे ये है जी, बात है जिस तरह कागज कुगजा का मामला, कोई आधार कार्ड हो गया, कभी आईडी होगी, कुछ हो गया, इन चीजों के बीच के मैं नहीं, पब्लिक सारी साल भर बेचारे धक्के खाते। जिस तरह प्याज है 100 रुपए किलो में प्याज बिकन लाए, सरकार का काम है भी प्याज सस्ता करना, जब गरीब आदमी कटते खाओगा तो ये भी सरदार जी है, कोई भला आदमी आए, सारे पब्लिक इसके गला लाए गिरी, अभी जड़ा जावा गांव के लोग इसी करके कहना भैया। किन्हें वोट दोगे फिर? कांग्रेस ने देंगे वोट, और किसने देंगे? अच्छा काम करेंगे बढ़िया। लो भाई यो कहे कांग्रेस ने वोट देंगे, कहे बीजेपी वाले ने महंगाई घनी कर दी। लो जी मैं अगली गाल में आ लिए, मंडी में भी तो जाना पड़ेगा, ये मंडी के दरवाजे पे खड़े हूँ, ये पूछा ही लाला के मूड है। लाला जी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाई, मेरी तरह तुम भी पसीने पसीने हो रहे हो कति जमे? हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा न्यू बताओ ये विधानसभा चुनाव आ लिया, के मुद्दे माते हैं थारे उरे असंध में? असंध में तो मारा तो बहुत बढ़िया है जी, यहाँ तो बीजेपी का एक तरफा माहौल है यहाँ हमारे तो, और 10 साल का बीजेपी राज कर रही है, काम कुम कितने करा दिए जी, असंध की तस्वीर बदल दी, असंध का विकास हुआ सबसे ज्यादा, जो ये पिछले 3-5 साल गए हैं इसमें गलती से कांग्रेस का एमएलए बन गया था, मगर वो स्पीड नहीं पकड़ पाए जो स्पीड चल रही थी, मगर बीजेपी ने एक समान कार्य करा है यहाँ पर। और आप देखो अगर 5 साल पहले देखा हो तो आपने, आज बिल्कुल चमक है असंध, सबसे अलग है बिल्कुल। अच्छा नहीं बताओ थारा के मुड़े किन्हें वोट दोगे?
हमारा एक ही निशान है जी, कमल का निशान। वाह जी वाह, यो लाला भी देख लो, कमल का निशान वाला हो लिया। चलो ये अगले जब पूछा भाई, भाई राम राम, किस तरह उदास था खड़ा था, तो कति जमे गुस्से में आ रहा भाई, के बात ना जी, मैं गुस्से में नहीं हूं, ये छोड़ में नहीं आ करते भाई देख। अच्छा नहीं बता, यो के विधानसभा में मुद्दे मत ध्यान थारे, किन मुद्दे में वोट दोगे? मैं सबसे पहले तो आपकी कदर करता हूँ, जो कि हरियाणा की एक पहचान है, सिर पे पगड़ी हाथ में लाठी, और आपका असंद में आने के लिए इस पोशाक के अंदर असंद की जनता आपका हार्दिक स्वागत करती है जी। यूं बताओ के मुद्दे हैं इलेक्शन में? इलेक्शन में मुद्दे ये है जी, विकास का मुद्दा रहेगा असंद लोकसभा सीट के लिए, और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पे वोट गिरेगी यहाँ की। और आज योगी आदित्यनाथ आए थे हरियाणा, असंध की जनता के अंदर 84 गांव हैं, 84 के 84 गांव ने एक बिल्कुल परमात्मा के को समझ कर उसको आज घी के दीवे जलाकर उसको वोट देने का वादा किया। तो नहीं बोला जाकर बीजेपी का किसी पार्टी का तो नहीं तेरा काम? नहीं जी, मैं कोई किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन नीति को और हम समझ सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं, जजमेंट को ही जज कहते हैं और जजमेंट को ही जनता जज कर रही है। अच्छा नहीं बताओ थम किना वोट दोगे? ऐसे है जी, हम वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पे और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और योगी जी के जय श्री राम के नारे पे वोट देंगे। भाई यो तो घना पढ़ा लिखा लिख दिया भाई, यूं कवे नीतियों पे वोट दूंगा बीजेपी की, एक एक नीति याद कर रखी है ना, कवे यो यो काम कर दिया बीजेपी वाले ने। चलो ये अगले का नहीं चला, उड़ा देखा के काम है। अरे बात सुन रहे तय कित भाग गया भाई, भाई इनता बात करा भाई, राम राम और ठीक हो? हाँ जी। अच्छा नहीं बता, इब इलेक्शन शुरू हो लिया, विधानसभा चुनाव में के मुद्दे हैं सारे? भाई साहब मुद्दा तो ऐसा है कि बीजेपी ने कोई मुद्दा तो छोड़ा ही नहीं, देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। जीडीपी की बात करें, किसी भी प्रकार की यदि बात करें, तो मुद्दा तो कोई छोड़ा नहीं है। आज तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात है, और जिसमें हमारा विकासशील देश जो है, आज यदि विकासशील देश की तुलना में देखें तो भारत जो है, अपने हरियाणा की बात कर लेना, असंद की विकासशील देश आई तो फिर कर लेंगे कि नहीं। चलो असंद की भी बात कर लो, ये देख लो आपके सामने है सड़कें, पहले क्या था, एक सड़क थी टूटी फूटी सी, और अभी आपके सामने है। तो यदि दूसरी की बात करें, युवा की बात करें, तो युवा को जो पुरानी जो सरकार थी वो सिर्फ क्या थी, एक चेहरा देख के जो है नौकरियां देती थी। अच्छा नहीं बता, वोट कितने दोगे फिर? जब इतनी बात होगी तो वोट का तो कोई दूसरी जगह जाने का नाम ही नहीं है जी, सिर्फ बीजेपी है फाइनल, कमल का फूल खिलाना है और खिला ही रहेगा अब तो आगे। लो भाई यो कमल वाला आ लिया, एक और पूछा भाई के बात, घनी गर्मी हो रही है तेरे? हाँ, गर्मी हो रही है जी। अच्छा नहीं बता, के मुद्दे हैं सारे? उरे मुद्दे है जी, बीजेपी की सरकार बनाएंगे उरे जी। अच्छा के बात, हम बीजेपी से खुश है। खुश हो? हाँ। तुम वोट किसने दोगे? कमल के फूल का। लो भाई यो भी कमल वाला आ लिया, इब चलना अगली गाल में, ओडा पता करा किसका राजा भाई, के मुद्दे हैं। ले भाई पेट्रोल पंप पे आ लिया, तेल पुआना हमें, जो लोग उनसे बात कर लिया भाई, कि मैं कुछ गांव वाला भी हो, शहर वाला भी हो, सारे हो, उनसे पूछ लिया भाई के मूड है। भाई राम राम। राम राम भाई। भाई न्यू बताओ के मूड माड है, किने वोट बांट दोगे? तो भाई बीजेपी तो देवांगे। के बात, के कर दिया? सारे कर रखे, विकास कर रखे, बढ़िया बच्चे नौकरी लगा रखे, बिना करछे पर्ची के सारे काम कर रखे, बहुत बढ़िया सिस्टम है बीजेपी का। तो थारा के मूड है? मारा मूड बीजेपी का। बीजेपी का? बीजेपी का। लो भाई यो भी बीजेपी वाला लिख रहा भाई, इब चलो अगले पाने में चला, ओड़ा देखा के मूड है लोगों का। ले भाई वोट तो बात करके देखा भाई, उरे के मूड है इनका। भाई राम राम। राम राम जी। भाई के मूड है इनका, किना वोट बांट दोगे? गोगी देंगे भाई साहब। कौन है यो गोगी? गोगी सरदार का जाए में जाऊँ तुम सारे ब्यादरी में एक सरा। अच्छा हाँ, कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ जी। तो बीजेपी वाले ने 10 साल राज करा, के काम कराए? कुछ नहीं करे, तुम्हारी पिल्सन भी खाई गई। भाई ताऊ राम राम। राम राम भाई। और से ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा न्यू बता, के मुद्दे हैं इनके विधानसभा चुनाव में? भाई मुद्दे तो सारा काम में से मार दिया 10 साल में मारा है बीजेपी सरकार में, आगे भी इसे तो देवांगे वोट हम तो। अच्छा हाँ, इसे तो देवा, मारे तो पसंद आ गई। ये काम कर दिया बीजेपी ने? सारे कर दिए, सड़क भी भैया, ये भी सिलेंडर भी बढ़ने आगे थे, कोई दिखते को नहीं, संद को फिर धक्के खाने सारा दिन उतर जाएगा। तो वोट किने दोगे फिर? बीजेपी से। बीजेपी नहीं दोगे? लियो भाई यो भी कमल खिलावेगा भाई। अच्छा नहीं बता, यो विधानसभा चुनाव शुरू हो लिया, के मुद्दे माते हैं इनके? मुद्दे बहुत बढ़िया जी, जमा बढ़िया, बहुत सुविधा कर रखी भारत जनता पार्टी ने। अच्छा। सारी बातों की मौज कर रखी, जमा जिम्मेदार भी खुश है, और भाई सारा जितना कर्मचारी भी सारा खुश है, किसी बात की दिक्कत नहीं। तो तुम वोट किने दोगे फिर? हम तो बीजेपी तो वोट देवांगे जी। लो भाई यो कमल खिलानिया बन लिया भाई। भाई एक और पूछ लिया, भाई राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? हाँ जी ठीक है जी। अच्छा नहीं बता, एक ये विधानसभा चुनाव चल रही है, के मुद्दे हैं थारे? मुद्दे तो बहुत कुछ है जी,
बच्चों को नौकरियों का हिसाब किताब बिना पर्ची खर्ची मिल रही है बच्चों को, बहुत अच्छी सरकार चल रही है और अच्छे काम दे रही है। और हम तो जो है ना बीजेपी को वोट देने वाले बंदे हैं जी। पक्का पूरे करके बीजेपी ने दोगे? पूरा गांव ने पूरा समर्थन दिया हुआ जी, राणा गांव ने जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, राणा में कति घने काम करा दिए बीजेपी ने? बहुत 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 बढ़िया काम चल रहे जी, बगैर खर्ची फर्ची बच्चे लगन लग रहे हैं और कामों का कोई हिसाब नहीं है, काम बहुत हो चुके हैं। देख लो भाई, यो बिना खर्ची पर्ची वाला जो नारा है ना, इनका काम कर क्या कति जमे, जो भी काम है बिना खर्ची पर्ची के काम है। राडा काम बताओ भाई, देख लो भाई। राम राम। राम राम जी। भाई कति काला हो रहा, काले कपड़े पहन रहे के, सब ठीक है? आ भाई मिस्त्री उठा का मिस्त्री हूँ, गाड़ी से मारा करूँ भाई। अच्छा, गाड़ी से मारा? हाँ, काला तो रहूंगा भाई। अच्छा, न्यू बता, यो विधानसभा चुनाव चल रहा है, सारे आने लग रहे होंगे वोट मांगन? तो सारे आऊ जी। न्यू बता के मुद्दे हैं थारे? हमारे मुद्दे विकास है जी, काम करके दिखा रहा है क्या, सिलेंडर मिल रहा है, आयुष्मान योजना है जी, बगैर खर्ची पर्ची की नौकरी मिल रही जी, यही मुद्दे हमारे जी। तो वोट किने दोगे फिर? वोट बीजेपी को देंगे जी। लो भाइयों, तो बीजेपी वाला लिख रहा है, आओ एक और तो पूछा भाई फिर। सरदार जी, सत श्रीकाल। हो ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। सरदार जी, इलेक्शन शुरू हो गया, की मुद्दे ने इस बार असंत दे? देखो मुद्दा तो यही है कि हमने सबसे पहला हमारा काम है भी सरकार बनाना, सरकार बनाएंगे हम बीजेपी की, और योगी योगेंद्र राणा को हमने उसको वोट देना है, उसी की सपोर्ट में हैं हम। अच्छा। हमारा सबसे पहले मकसद एक ही है, अगर भी योगेंद्र राणा को विधानसभा में पहुंचाओ और अपनी सरकार बनाओ। तो वोट किसने दोगे फिर? वोट तो इसी को देंगे जिसकी सपोर्ट करांगे। ले भाई, यो तो वोट क्या गला गला सपोर्ट भी करने लगे सरदार जी, कमे सरदार जी सपोर्ट करता है तो फिर घना बड़ा बड़ा चाला पाट जा कर देख लिया ही। चलो आगे चल, आगे देखा भाई के मूड है लोगों का। और तैयार है? ठीक हो? हाँ ठीक है जी, बिल्कुल। अच्छा न्यू बता, यह विधानसभा चुनाव शुरू हो लिया, के मुद्दे माते हैं इसके असंध में? मुद्दे तो देखो जी, केवल असंध की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। आज का जो युवा है तरस रहा है नौकरी के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मेन विकास, सभी क्या देते हैं विकास विकास, है कहाँ विकास? आप जाके देखो रोडों की हालत क्या हो रही है यहाँ असंध में, यहाँ से रत्तक रोड पे जाके देखो, स्कूल में बच्चों को निकलना मुश्किल हो रहा है। 5 साल गोगी विधायक रहे हैं यहाँ पे, विधायक रहे हैं ना यहाँ पे, देख लो सड़कें वहां जाके। तो क्या वोट किना दोगे फिर? मैं तो बीजेपी को दूंगा। अच्छा। बिना खर्ची बिना पर्ची, आज गरीब का लड़का गरीब का बच्चा पढ़े लिखा बच्चा एक आशा की किरण एक उम्मीद की किरण है कि मैं भी सरकार का हिस्सा बन सकता हूँ, सरकार में नौकरी ले सकता हूँ कंपटीशन लड़के। लो भाई, ये पंजे वाले थे कई, उसमें एक कमल का फूल भी खिल गया। यो जनता है भाई, हर एक का मूड अलग अलग है। लो जी असंध विधानसभा में है, और आता बात करा वह सदा जी की हाल ने थोड़े चढ़ती कला जमे। अच्छा ये दसो की मुद्दे ने इस बार विधानसभा दे? विधानसभा मुद्दे कमरा ने बकाया होने के। अच्छा। हाँ जी। ते वोट किन्नू दोगे फिर तुसी? कांग्रेस एक तरफ वाला है बिल्कुल। की गल, बीजेपी वाले किन्ने काम किते ने? कोई काम नहीं किते। हुण की मूड है, वोट तक ही है तुहाडा? वोट कांग्रेस। लो जी सदा जी बोले कांग्रेस नाल, ए मुंडा खड़े नाल गल कर लेने भाई। सत श्रीकाल। हो ठीक हो? हाँ जी। अच्छा ये दसो जी, विधानसभा चुनाव चल रही है ने, केनू वोट वाट दोगे, की मुद्दे ने? दांगे जी कांग्रेस चमचे सिंह गोगे नू दांगे जी, बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया है जी, किसानां लई कांग्रेस सरकार ने बहुत वधिया किसान दे उत्ते सब अपने शहर च मान लो दुकानदारां लई बहुत वधिया काम किते आ जी, पर किसानां लई कोई नहीं। की मूड है, तुसी वोट किन्नू दोगे जी? कांग्रेस नू पक्का वोट ऐतकी बना के लियावांगे जी, 100% बना के लियावांगे जी। भाई राम राम। भाई राम राम। और ठीक हो? बढ़िया जी। अच्छा न्यू बताओ, असंध विधानसभा में के मुद्दे माते हैं इसके विधानसभा चुनाव में? असंध विधानसभा में कांग्रेस की पूरी लहर है, लोग का बीजेपी सरकार तो दुखी है, बीजेपी सरकार ने पूरे जोड़े पूरे लोगों के घर में एक जना तो जोड़ा रखने वास्ते रख लिया, उसमें सारे तरह के कागज हैं, चाहे कोई फैमिली आईडी बनानी है, चाहे कोई प्रॉपर्टी आईडी बनानी है, चाहे कोई आईडी बनानी है, उन्होंने तो एक घर में एक मेंबर एक और पैदा करना पड़ गया लोगों ने। तो थम किना वोट दोगे इबके? इबकी बार हम वोट देंगे कांग्रेस ने। लो जी वो भी पंजे वाला लिख रहा भाई, कभी कांग्रेस ने वोट देंगे। देख लिया भाई, असंध के गली मोहल्ले गांव गांव जाके आया हूँ, सबसे बात कराई, सबका मूड दिखा दिया, ये थम खुद ही अंदाजा ला लो भाई किसकी लहर चल रही है उरे। चलो ये अगली विधानसभा में चलू ओडे देखा भाई के मूड है लोगों का। ठीक है भाई, राम राम। और ध्यान रखिए अपना, बादो गांव है कति गर्मी कसूती पड़ रही है, अगली विधानसभा में लूंगा भाई थारते। अच्छा भाई राम राम।